आज के इस भव्य बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मंच को सुशोभित कर रहे मेरे सभी वरिष्ठ और प्रिय साथी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जाडवेकर जी, आदरणीय श्री हरदीप पुरी जी, आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी, मंच पर विराजमान पार्टी के महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री श्याम जाजू जी, हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे सहयोगी श्री मनोज तिवारी जी, हम सब के लिए वर्षों और दशकों से जो लगातार हम सबको प्रेरणा देते रहे हैं और आज भी प्रेरणा दे रहे हैं, ऐसे हमारे दिल्ली के वरिष्ठतम नेता जो आज से 50 वर्ष पूर्व दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, ऐसे आदरणीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, मंच पर विराजमान दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और भारत की संसद में मेरे सहयोगी भाई विजय गोयल जी, पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली विधानसभा में हमारे विपक्ष के नेता भाई विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई सतीश उपाध्याय जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान गौतम जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी भारत की संसद में सहयोगी भाई रमेश विधूड़ी जी, श्री हंसराज हंस जी, बहन मीनाक्षी लेखी जी, भाई प्रवेश वर्मा जी, पूर्व सांसद महेश गिरी जी, हमारे वर्षों तक दिल्ली में संगठन मंत्री भी रहे ऐसे पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री आरपी सिंह जी और सभी हमारे दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, तीनों महामंत्री भाई रविंद्र गुप्ता जी, कुलजीत चहल जी, राजेश भाटिया जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजन में जिन्होंने विशेष सहयोग किया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी, धर्मवीर जी, सभी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष, बूथ के पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्षदगण, विधायकगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के मित्रों, मुझे याद है कि आज से लगभग 7-8 महीना पहले इसी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसी प्रकार से हमारे देव दुर्लभ बूथ के प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में भी इसी प्रकार का उत्साह था, इसी प्रकार के जोशो खरोश के साथ सभी हमारे बूथ के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सौभाग्य से जिस प्रकार से आज इस बूथ सम्मेलन के कार्यक्रम को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। उस बूथ सम्मेलन में भी हमें अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला था और मुझे आज भी याद है कि उस बूथ सम्मेलन में हम सब कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था। हम सब कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने असाधारण जज्बे के साथ भारत के लिए 2014 से लेकर 2019 तक असाधारण काम किए, भारत को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचाया, समाज जीवन के हर क्षेत्र के हर व्यक्ति के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया, अनेकों योजनाएं बनाई, अनेकों योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया और हर योजना के करोड़ों लाभार्थी भारत के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर, उनका जीवन के अंदर बेहतरी हुई। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, जिनके बारे में 2019 में चुनाव से पहले भी भारत के लोगों ने ये महसूस करना शुरू किया था कि 2014 में भारत के लोगों के ऊपर कोई ना कोई दैवी कृपा हुई, जिसके कारण भारत के लोगों को नरेंद्र मोदी जी जैसा महान प्रधानमंत्री मिला और ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा से भारत का प्रधानमंत्री 2019 में बनाने के लिए आप सब ने एक बात का संकल्प लिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विजय दिलाने जैसा नहीं है, ये हम सब का राष्ट्र धर्म है, ये हम सब लोगों ने संकल्प किया था। और मैं हृदय की गहराइयों से आज आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ बूथ के कार्यकर्ताओं की। आज अगर कोई दिल्ली में मेरे तरह से सातों लोग सांसद हैं या पिछले 7 चुनावों के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार विजयी हुए हैं या आज अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उसके अंदर अगर किसी का सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा योगदान है और जिस योगदान के बगैर हम सब उन पदों पर नहीं पहुंच सकते, तो वो हमारे बूथ के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का है। और पिछली बार जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था, मैं इस बात के लिए आपका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में खाली 7 सांसदों को विजयी ही नहीं बनाया, लेकिन उस दिल्ली के अंदर 2015 से शासन करने वाली पार्टी के 70 में से 65 लोगों को आपने दिल्ली के अंदर जो है 65 स्थानों पर बुरी तरीके से पराजित किया। और वो पार्टी जो 2015 के अंदर सत्ता पे जाकर बैठी थी, उसके 65 लोगों में से अधिकांश लोगों की आपने जो है 65 स्थानों पर आपने जो है 65 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर आपने जो है उनकी जमानतें जब्त कराई, उनको तीसरे नंबर पर पहुंचाया। जिस पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट मिले थे, उस पार्टी को दिल्ली के अंदर केवल 16% वोट जो है 6 महीने पहले चुनाव के अंदर मिले। और 16% वोट नहीं खाली मिले उसको, वो कांग्रेस पार्टी से भी पिछड़ गई। ये कांग्रेस पार्टी जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी 2015 में, उसने भी दिल्ली के अंदर जो सत्ता में पार्टी है उस पार्टी से 10% ज़्यादा वोट जो है पिछले चुनाव में लिए, यानी 26% वोट लिए। और आप सबके मेहनत से, आप सबके प्रयासों से और आप सब ने जिस प्रकार से दिन रात एक किया, उसके कारण हमारे को दिल्ली के अंदर 55-56% वोट मिला और हमारी 7 सीटों पर विजय हुई। और हमने नरेंद्र मोदी जी को 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2014 की तरह दोबारा से 2019 के अंदर 7 की 7 सीटों पर विजय प्राप्त कराई। भाइयों और बहनों, दोस्तों, कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबके लिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप याद रखिएगा, ये इतिहास के अंदर हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, 21 साल से जिस बात की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग लगातार दिल्ली के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत रहे हैं, हम लोग लगातार दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जीत रहे हैं। और इसके लिए, इसके कारण आप सब इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि दिल्ली की जनता आपसे प्यार करती है,
आपसे वो लगाव रखती है, वरना वो आपको लगातार दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर और दिल्ली की कॉरपोरेशन के अंदर विजयी नहीं बनाती। हम सब इस अवसर पर स्मरण करना चाहते हैं अपने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को, स्वर्गीय साहेब सिंह जी को, स्वर्गीय हमारी सुषमा स्वराज जी को, स्वर्गीय अरुण जेटली जी को, जिन्होंने हम सबको दिल्ली के अंदर लगातार मार्गदर्शन किया, मुख्यमंत्री के रूप में भी मार्गदर्शन किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मार्गदर्शन किया। और वो सब भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 21 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज जो दिल्ली के अंदर सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, इस सरकार का जन्म कितने पवित्र आंदोलन से हुआ था। ऐसे पवित्र आंदोलन से हुआ था जिसके अंदर शुचिता की बात होती थी, जिसके अंदर सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोग कहते थे कि नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उस आंदोलन के अंदर से जो शख्स ने जन्म लिया, सबसे पहले उसने अपने गुरु को ही धोखा दिया। और उसके बाद लगातार हमने पिछले 5 साल में देखा कि पिछले 5 साल में से 4.5 साल तक, पिछले 3-4 महीनों को अगर छोड़ दें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो सारे देश में घूमते रहे, लेकिन दिल्ली के लिए उनके पास एक दिन भी कोई समय नहीं था। और आज हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने में लगातार झूठे बयान, झूठे एडवर्टाइजमेंट, झूठे संकल्प, झूठे टेलीविज़न के कार्यक्रम, झूठी स्पॉन्सर्ड ऑडियंस और उसके माध्यम से दिल्ली की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता अब अच्छी तरीके से उनको समझ चुकी है। वो उनका जितने प्रकार के वो बयान देते हैं, जितनी प्रकार की वो बातें करते हैं, उन सबको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उनके चरित्र को भी समझ चुके हैं, किस प्रकार से वो लगातार देशद्रोही तत्वों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, इसको भी दिल्ली की जनता समझ चुकी है। और अभी आपने, हमने सबने अभी पिछले 2 दिन में ही देखा किस प्रकार से एक बड़े टेलीविज़न चैनल के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम के अंदर उन्होंने जो है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कितनी जो है गलत बयानी की, किस प्रकार से देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को गुमराह करके ये कहा कि दिल्ली के अंदर से और देश के अंदर से करोड़ों हिंदू जो है उनको इस एक्ट के कारण जो है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, उन्हें भेज दिया जाएगा। और कितनी तकलीफ हुई हमको ये सुनकर जब उन्होंने कहा कि अगर 2 करोड़ हिंदू हमारे जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, वो अगर भारत में आ जाएंगे तो हम सबका क्या होगा। जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं, जानबूझकर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एक स्कूल बनाया नहीं, एक कॉलेज बनाया नहीं, एक अस्पताल खोला नहीं, और जो मोहल्ला क्लिनिक जिसकी झूठी तारीफ करते हैं, झूठे उसके बारे में बयानबाजी करते हैं, उन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी मैंने कल ही ट्विटर के ऊपर ऐसी बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक की फ़ोटोज़ और इसके वीडियोज़ हम लोगों ने बनाए हैं, और पिछले अगले दिनों के अंदर आपके सामने जब रखे जाएंगे इस देश का मीडिया भी जान जाएगा, दुनिया के भी जो गेस्ट को बुला बुला कर 2-4-5 मोहल्ला क्लिनिक्स वो दिखाया गया है, वो भी जान जाएंगे कि इन मोहल्ला क्लिनिक से ज़्यादा जो है कोई बर्बाद चीज़ नहीं हो सकती लोगों को गुमराह करने के लिए। किस प्रकार से कितने सारे लोग जो उनके साथ थे एक एक करके सारे के सारे उनको छोड़कर चले गए, 30 उनके MLAs के ऊपर तरह तरह के जो है केसेस चले, 13 MLA उनके इंक्लूडिंग उनकी विधानसभा के स्पीकर वो जो है पिछले समय के अंदर जेल के अंदर चले गए, उनके पार्टी के खातों के बारे में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा वो हम सब जानते हैं, उनका इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ चला गया वो सब हम लोग जानते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं, कभी अफजल गुरु को शहीद बताते हैं, कभी जो है कन्हैया के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर अड़चन लगाते हैं, और फिर भोला भाला चेहरा बनाकर झूठ को भी इतने सफाई से देश के सामने परोसते हैं लगातार कि शायद यही सबसे बड़ा सच है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सत्य में जयते होता है, ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करता है, और सच को जो है आप, सच की जो ताकत है वो अनबीटेबल होती है। दिल्ली की जनता, देश की जनता उनके चेहरे को अच्छी तरीके से पहचान चुकी है। सब जितने भी 70 के 70 वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया।
किसी भी वादे के बारे में विस्तार से हम लोग उनके सामने बातचीत कर सकते हैं। और उसके मुकाबले मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि आज भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में दिल्ली में ऐसी सरकार होते हुए जो लगातार दिल्ली के अंदर झूठ बोलती रही, नरेंद्र मोदी जी को लगातार जो है गालियां देती रही, भारत सरकार को लगातार गालियां देती रही, ऐसी सरकार जिसने लगातार जो है अड़चने डाली, उसके बावजूद दिल्ली में जो भारत सरकार ने काम किए, मैं सिर्फ 2-4-5 मिनट के अंदर आपको एक लाइन से गिनाना चाहता हूँ। अभी जिस स्टेडियम के आसपास आप हो, इसके पास ही में जरा चले जाइए थोड़ी सी दूरी पे, ये जो भैरव मार्ग है और ये जो इसके साथ मथुरा रोड है, और यहाँ पर जो सुरंग के साथ आईटीओ का चौराहा और उस चौराहे को कनेक्ट करने का जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है, वो सुरंग का कार्यक्रम, उसकी कीमत है 9 अरब 28 करोड़ और 16 लाख, और वो प्रोजेक्ट अगले साल शुरू होने वाला है। आपने ये स्काई वॉक देखा है इसी सिकंदरा रोड के चौराहे के ऊपर, 54 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। आप जरा दूर चले जाइए, एयरपोर्ट की तरफ चले जाइए, तो महिपालपुर का जो बाईपास है उसको एयरपोर्ट से कनेक्ट करने वाला कितना बड़ा कार्यक्रम, धौला कुआं के ऊपर बाईपास, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, द्वारका का एक्सप्रेसवे, मेरठ के लिए 6 लेन, मेरठ के लिए फास्ट जो है मेट्रो जो रेल, जो कि आने वाले समय के अंदर 50 मिनट में मेरठ को अंदर मेरठ में पहुंचा देगी हमको, द्वारका के अंदर 18,000 करोड़ रुपए का एक इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, अंबेडकर जी के याद में इसी जनपद के ऊपर कितना बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया भारत सरकार ने, उनकी स्मृति के अंदर उनका जहां महानिर्वाण हुआ वहां पर कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वहां पर जो है हमने कितना बड़ा भवन बनाया, जिसको स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसका फाउंडेशन भी रखा, दोनों प्रोजेक्ट्स का दोनों का उद्घाटन भी पिछले 5 साल के अंदर किया। दिल्ली के अंदर इसी चांदनी चौक के इलाके में भारत सरकार ने रानी झांसी का जो है जिस प्रकार से जो है वो ग्रिड सेपरेटर बनाया, सारे दिल्ली के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स, और कल हमारे गृह मंत्री इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के अंदर एक इनॉग्रेट करने वाले हैं। आने वाले समय में 200 किलोमीटर दिल्ली के अंदर साइकिल ट्रैक और दिल्ली के अंदर पेडेस्ट्रियंस के लिए ट्रैक, जिसका 30-40 किलोमीटर का साउथ दिल्ली का हिस्सा, मैं समझता हूं कि एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतना भारत सरकार के लोगों ने इतनी बड़ी जिसे कहते हैं कि विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे लिया। और आप जानते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों के लिए कितना बड़ा काम 5 साल इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने धोखा दिया, 15 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धोखा दिया। आज उन गरीब लोगों को रजिस्ट्री मिलनी शुरू हो गई है। मैं हरदीप पुरी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रजिस्ट्रियां बांटनी शुरू कर दी है। आज जहां झुग्गी जहां मकान, इसके बारे में 15-20 साल से हम दिल्ली के अंदर विधायक के नाते सुना करते थे। आज जहां झुग्गी और जहां मकान के नाते 17 लाख जो है झुग्गी वालों को सारे दिल्ली के अंदर ये मकान मिलने वाले हैं। आने वाले समय के अंदर मकान बनाने के लिए पूरे के पूरे पूलिंग करने का जो है फैसला जो है कर दिया गया है। और लगातार मैं समझता हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूँ, अभी ये समय की मर्यादा है, पहले ये स्लिप आ गई, इसके बाद ये आ गए पीछे पीछे, ये चाहते हैं कि मैं बात को समाप्त कर दूं। लेकिन दिल्ली के अंदर भारत सरकार ने दिल्ली में विरोधी सरकार होते हुए भी इतने बड़े बड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है, उन प्रोजेक्ट्स का बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका मैं वर्णन कर पाया हूँ। आप में से एक एक बूथ के कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी होनी चाहिए और एक एक घर में जाकर उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, और फिर दिल्ली के लोगों को बताइए कि अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी होंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो पहली बार दोनों सरकारें मिलके शायद जो लगातार वर्षों से हम सपना देख रहे हैं दिल्ली को संसार की सबसे खूबसूरत राजधानी बनाने का, उस काम को अगर कोई पूरा करा सकता है
तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन करा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जैसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी का संदेश, अमित शाह जी का संदेश, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, हमारे महान नेताओं का, सबका जो संदेश है, हमारा जो विचार है, उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। अगर आपने अपनी बात को दिल्ली के लोगों के घर घर में पहुंचा दिया जैसे आपने 2019 में किया था, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो झूठ और फरेब की नींव के ऊपर टिकी हुई दिल्ली की पार्टी है जो सत्ता में है, इस बार इसको 70 स्थानों में एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां ये पार्टी विजय प्राप्त कर सके। केवल आपको अपने कर्तव्य का, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने समाज धर्म का, अपने मानव धर्म का और देश के लिए जो अपना कर्तव्य है उसको निभाने के अंदर कोई भी भूल और चूक नहीं करनी है। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और इस विश्वास के साथ कि बहुत जल्दी हम सब लोग इसी सभागार के अंदर फिर मिलेंगे। अपने राष्ट्रीय नेताओं के आशीर्वाद के साथ हम लोग दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे और फिर एक नए सपने को साकार करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।